इंडिया पैरोडी के नाम से, वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। सुप्रिया श्रीनेत के ऑफिशियल अकाउंट से कंगना रनौत को लेकर की गई भद्दे टिप्पणी के बाद बीजेपी नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है। मामला चुनाव आयोग और महिला आयोग तक पहुंच चुका है। सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ शिकायत लेकर बीजेपी नेता चुनाव आयोग पहुंचे। लेकिन ये तो हुआ सिक्के का एक पहलू। बीजेपी नेताओं को केजरीवाल के नेता सौरभ भारद्वाज ने सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखा दिया है। देखिए, मैंने सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, उनका एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने बताया कि उनके स्टाफ में किसी आदमी की ये हरकत है और उन्होंने ओपनली इसके लिए माफ़ी मांगी। मैं समझता हूँ ये बड़ा दिल होता है कि आप माफ़ी मांगें। गलती करने के बाद माफ़ी मांगने वाला बहुत बड़ा होता है। आज तक मणिपुर के अंदर जो दो औरतों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के मुख्यमंत्री ने माफ़ी नहीं मांगी है उसके लिए। जो ओलंपिक जीतने वाली पहलवानों के साथ अभद्रता की गई, उनकी टी शर्ट के अंदर हाथ डाला गया, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण सिंह ने अब तक माफ़ी नहीं मांगी है भारतवर्ष से, और ना ही भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता या मंत्री ने उसके लिए माफ़ी मांगी है। सौरभ भारद्वाज ने कंगना को इंसाफ दिलाने के लिए चल रही बीजेपी वालों की लड़ाई के बीच अभिनेत्री स्वरा भास्कर का नाम लेकर सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी वालों को आईना दिखाया है। मैं समझता हूं कि ये जो भद्दी हरकतें हैं ये बंद होनी चाहिए। और मैं यहां भी बताऊं, स्वरा भास्कर करके एक महिला थी जो ट्विटर पे काफी एक्टिव थी, उनकी फिल्मों और फिल्मों के पात्र के लिए उनको क्या क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग भद्दी भद्दी बातें ट्विटर पर लिखते थे, वो आज भी मौजूद है। तो भद्दी बातें किसी भी महिला के विषय में नहीं लिखनी चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हो। और एक्टर्स एक्ट्रेसेस अलग अलग रोल करते हैं, उनके रोल की अलग अलग पात्रों की अलग अलग मांग होती है, उस तरीके की चीज़ों को निकाल के देना ठीक बात नहीं है, ये मर्यादा नहीं। दरअसल कांग्रेस की तेज तरार महिला नेता सुप्रिया श्रीनेत ठीक होली के दिन बीजेपी के निशाने पर तब आ गईं जब उनके ऑफिशियल अकाउंट से हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी का टिकट पाई बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत को लेकर भद्दा कमेंट किया गया। इस विवादित पोस्ट के बाद सुप्रिया श्रीनेत को न सिर्फ सफाई देनी पड़ी बल्कि पोस्ट भी डिलीट करना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि उनके एक्स हैंडल का एक्सेस कई लोगों के पास है, उन्हीं में से किसी ने ये घिनौनी हरकत की है। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं, मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है सुप्रिया पैरोडी के नाम से, वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। जाहिर है चुनावी मौसम के बीच मिला यह सियासी मुद्दा बीजेपी के लिए किसी बोनस से कम नहीं है, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत की सफाई के बाद भी बीजेपी नेता मानने को राजी नहीं है। देखिए कंगना और सुप्रिया की लड़ाई कहां तक पहुंचती है।